हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होगा, जहां पर एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर से आते हैं। चलिए वीडियो का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले आपको गिवन इक्वेशन दोनों क्या है लिख लीजिए। यहाँ पे दोनों इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन, एंड इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दीजिए तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 19 गिवन है। अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि ए प्लस बी का जो ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे ब्रेक कीजिए तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन। सिमिलरली इसको देखिए, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ध्यान से देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स माइनस वाई, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू वाई, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 19। आप ध्यान से देखिए एक्स माइनस वाई कैंसिल और यहाँ पे एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सेवन। इसको इक्वेशन नंबर वन दे दूंगा। और यहाँ पे आया है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 19। इस इक्वेशन को मैं नंबर टू दे दूंगा। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। देखिए सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सेवन। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 19। अब देखिए यहाँ पे दोनों को, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल और ये टर्म आएगा माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस 12। तो माइनस माइनस कैंसिल और दो को जब मैं इधर ले आऊंगा तो एक्स वाई की वैल्यू आएगा 6। अब ध्यान से देखिए एक वैल्यू आपको मिल गया एक्स वाई इक्वल टू 6। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को लूंगा, इस इक्वेशन को लूंगा तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 19। इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा कैसे देखिए, तो मैं दोनों तरफ एक्स वाई ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 19 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 19 प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6 में बैठा दूंगा। तो यहाँ पे आगे देखिए अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे 25। तो देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगा देखिए, तो आएगा प्लस माइनस रूट ओवर 25, जो कि वैल्यू आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब ध्यान से देखिए तो आपको मिला क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस 5 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। अब ध्यान से देखिए मैं इन दोनों को, क्योंकि x और y इंटीजर से आते हैं तो मैं इस दोनों वैल्यू को यूज करूंगा और केस वन और केस टू में डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखिए तो केस वन और केस टू में जब मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिए तो केस वन देख लीजिए, तो केस वन में क्या आया है, केस वन में क्या लूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 लूंगा। और यहाँ पे देखिए आपने निकाल के वैल्यू निकाल के रखा था एक्स वाई इक्वल टू 6, तो x और y की वैल्यू 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्योंकि x और y पॉजिटिव इंटीजर से आते हैं तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूं, तो x की वैल्यू यहां पे 2 आएगा और y की वैल्यू 3 आएगा। सिमिलरली देखिए 2 इंटू 3 6 और
x की वैल्यू 3 आएगा और y की वैल्यू 2 आएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए केस 2 देखिए, सिमिलरली केस 2 को देखिए, केस 2 आपको क्या मिला है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 और एक्स वाई इक्वल टू आपको 6 मिलता है। तो यहाँ पे माइनस 5 कैसे आएगा, एक्स की वैल्यू में माइनस 2 लूंगा, वाई की वैल्यू माइनस 3 लूंगा, तो एक्स वाई की वैल्यू 6 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू माइनस 3 लूंगा और y की वैल्यू माइनस 2 लूंगा, तो 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन आएगा, चार सॉल्यूशन आएगा, ध्यान से देखिए, तो x और y की वैल्यू क्या आता है देखिए, तो x और y की जो सॉल्यूशन सेट आएगा मैं लिख देता हूं, तो x y इक्वल टू आएगा 2, 3 और ध्यान से देखिए क्या आएगा, 2, 3 और 3, 2 एंड देखिए आएगा x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू माइनस 2, -3, और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू माइनस 3 y इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पे -3, -2 आएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों काफी मजेदार क्वेश्चन था, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।